दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और प्रेस कीजिए बेल आइकन ताकि हमारी वीडियोस के आने वाले लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहे। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम गर्ग और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग और खास होने जा रही है क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप भी चाहते हो अपने पोकेमॉन गो के अंदर स्पूफिंग करना फेक जीपीएस जॉयस्टिक से, सो आप इजीली कैसे कर सकते हो और बिना कोई बीमोस ऐप के और बिना कोई डाउनग्रेड मेथड के। सो आज हम जानेंगे इसी मेथड को इस वीडियो के अंदर। सो दोस्तों देखते रहिए वीडियो को एंड तक, और दोस्तों अगर आपने नहीं किया अभी तक वीडियो को लाइक सो जल्दी से कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलना ताकि हमारी ऐसी पोकेमॉन गो से रिलेटेड वीडियोस आप तक इजीली पहुंचती रहे। सो यहाँ पर जो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक और आपको इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि यहाँ पर जो है ये मेथड आपके किसी भी एंड्रॉयड वर्जन के अंदर वर्क करेगा, चाहे वो आपका हो 5, 6, 7, 8, 9 कोई सा भी वर्जन हो उसके अंदर जो है ये मेथड वर्क करेगा। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि इस मेथड को अप्लाई करने के लिए जो है आपका डिवाइस होना चाहिए रूटेड, वो भी मैजिस्क मैनेजर से। और दोस्तों अगर आपको नहीं मालूम है कि मोबाइल को रूट कैसे करते हैं मैजिस्क मैनेजर से, सो उसके लिए मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ एक वीडियो, सो उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में और देख लीजिए कि आप कैसे करोगे उसको रूटिंग। सो यहाँ पर जो दोस्तों मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दो ऐप की लिंक और दी है, जो कि है टर्मिनल इमुलेटर और एक है आपके जीपीएस जॉयस्टिक की। सो जैसे ही आप लिंक के ऊपर क्लिक करोगे दोस्तों आप जो है कुछ इस तरीके की वेबसाइट के ऊपर आ जाओगे, और आने के बाद जो है आपको सिंपली यहाँ पे होना होगा स्क्रॉल डाउन, और यहाँ पे आपके सामने जो आई एम नॉट अ रोबोट वाला ऑप्शन आता है आपको करना होगा एक बार इसके ऊपर क्लिक, और फिर से आपको जाना होगा नीचे और करना होगा इस कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक, और फिर आपको दोबारा जाना होगा नीचे की तरफ, और यहाँ पर जो दोस्तों आपके सामने ये टाइमिंग स्टार्ट हो जाती है, सो आपको थोड़ी देर वेट कर लेना होगा इसके ओवर होने का। और जैसे ही ये ख़त्म हो जाएगी टाइमिंग तो यहाँ पर आपके सामने जो प्लीज़ वेट वाला ऑप्शन है ये टर्न हो जाएगा गेट लिंक के ऊपर, और जैसे आप इसके ऊपर फिर क्लिक करोगे सो ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा कोई दूसरी साइड पे। सो अब आपको अपना टैब चेंज करना होगा और जाना होगा प्रीवियस वाले के ऊपर, और इस तरीके से आप हमारी लिंक को कर सकते हो ओपन। और ओपन करने के बाद जो है दोस्तों आपको इस अनलॉक फीचर्स वाले के ऑप्शन के ऊपर करना होगा टैप, और नीचे की तरफ जाना होगा और करना होगा इस फर्स्ट वाले ऐप को इंस्टॉल, जो कि है आर्म 64 वर्जन 8 है। सो इसके ऊपर जैसे ही आप टैप करोगे सो ये आपको बोलेगा डाउनलोड करने के लिए, और आप सिंपली डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देना, और यहाँ पर जो है दोस्तों आपके सामने हो जाएगी ये फाइल डाउनलोडिंग में। सो जैसे ही ये डाउनलोड कंप्लीट हो जाए सो अब आपको कर लेना होगा इस ऐप को सिंपली यहाँ पे इंस्टॉल, और दोस्तों ये ऐप इंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपनी जीपीएस जॉयस्टिक को सिस्टम ऐप में कन्वर्ट कर सको। सो दोस्तों जैसे ही ये ऐप इंस्टॉल हो जाए आपको डन के ऊपर क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद जो है दोस्तों अब यहाँ पर आपके सामने जो जीपीएस जॉयस्टिक अपीयर होगी इसको आपको सिंपली करना होगा एक बार टर्न ऑन, और यहाँ इनके एग्रीमेंट को कर लेना होगा सेटअप, और करना होगा इस प्राइवेसी मोड वाले ऑप्शन पे क्लिक, और फिर करना होगा आपको जनरेट के ऊपर क्लिक। सो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी जीपीएस जॉयस्टिक को एक न्यू कॉपी प्रोवाइड करवाते हो। सो यहाँ पर आप अपनी जीपीएस जॉयस्टिक का कोई भी नाम दे दीजिए और कर दीजिए फिर स्टार्ट के ऊपर क्लिक, और ये जो है आपका 1 से 2 मिनट लेगा इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में, जिसमें जो है आप अपनी जीपीएस जॉयस्टिक को मैन्युअली क्रिएट करते हो। सो दोस्तों जैसे आपका जो है जनरेट हो जाएगी ये जीपीएस जॉयस्टिक सो ये आपको बोलेगा इसको इंस्टॉल करने के लिए, सो आपको सिंपली कर लेना होगा इसको इंस्टॉल, और इस तरीके से दोस्तों आपको इस वाली जीपीएस जॉयस्टिक को अपने सिस्टम ऐप में कन्वर्ट करनी है, प्रीवियस वाली को नहीं करनी। सो अब कर देते हैं इसके ऊपर डन के ऊपर क्लिक, और दोस्तों आपने जो ये वाली जीपीएस जॉयस्टिक इंस्टॉल करी थी अपने वेबसाइट के ऊपर से सो उसको जो है आपको कर देना होगा अनइंस्टॉल, और सिर्फ इसी जीपीएस जॉयस्टिक को रहने देना होगा जो कि आपने अभी अभी क्रिएट की थी न्यू नेम से। सो इसके होने के बाद जो है आपको करना होगा अपने मैजिस्क मैनेजर को सिंपली ओपन, और ओपन करने के बाद जो दोस्तों आपको क्लिक करना होगा इसे 3 कॉलम्स वाले ऑप्शन के ऊपर, और जाना होगा इस डाउनलोड वाले ऑप्शन पे, और दोस्तों यहाँ पर जो है आपको जो है 2
ऐप या फिर आप कह सकते हो जिप फाइल को सिंपली इंस्टॉल करना है, और उसके लिए आपको सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और फिर यहाँ पे जो है आपको दो ऐप्स लिखने हैं, जो कि है पहला सिस्टमाइज़र। सो इसको लिखने के बाद आपको सिंपली इस डाउनलोड वाले ऑप्शन पे कर देना होगा टैप, और यहाँ पर आपको इंस्टॉल के ऊपर टैप कर देना होगा, और ये जो है आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंस्टॉलिंग में लग जाएगा, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली फ्लैश भी हो जाएगा। सो अभी आपको यहाँ पर रिबूट नहीं करना, अभी आपको दोबारा जाना है बैक, और एक और आपको सिंपली ऐप को इंस्टॉल करना होगा, जो कि है बिजी बॉक्स, और इसी को आपको जो है सिंपली उसी मेथड की तरह कर लेना होगा इंस्टॉल, और ये भी आपका जो है ऑटोमेटिकली यहाँ से फ्लैश होने लग जाएगा इंस्टॉल होने के बाद, जैसे कि आप देख सकते हो। और ये जो है कुछ 30 सेकंड के अंदर फ्लैशिंग इसकी कंप्लीट हो जाएगी, सो आप थोड़ा वेट कर लीजिए। और दोस्तों आप देख सकते हो हमारी जो है फ्लैशिंग हो चुकी है कंप्लीट, और यहाँ पे आ चुका है डन का ऑप्शन। सो इस बार जो है दोस्तों आपको क्लिक कर देना होगा रिबूट वाले ऑप्शन पे। सो यहाँ पर जो है दोस्तों मैं ऑटोमेटिकली मतलब पहले ही कर चुका हूँ इनको अपने सिस्टम ऐप में कन्वर्ट, या फिर हम इसको पहले डाउनलोड कर चुके हैं। सो मैं आपको एक बार दिखला भी देता हूँ। सो इसलिए जो है मैं इसको दोबारा इंस्टॉल नहीं कर रहा, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा ये रहा बिजी बॉक्स फॉर एंड्रॉयड NDK, और ये रहा हमारा ऐप सिस्टमाइज़र। सो मैं इसको पहले ही कर चुका हूँ, लेकिन आपको इंस्टॉल करने के बाद जो है अपने रिबूट करना होगा डिवाइस को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जैसे ही ये आपका यहाँ पे हो जाए, सो अब आपको जाना होगा बैक, और अब आपको अपना ओपन करना होगा टर्मिनल इमुलेटर। सो इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और इसी इसको भी इंस्टॉल आपको उसी मेथड की तरह करना है जो कि जीपीएस जॉयस्टिक को ओपन करने का तरीका मैंने आपको दिखाया। सो यहाँ पर आपको टाइप करना होगा SU, और फिर आपको हिट करना होगा एंटर बटन को, और यहाँ पर अगर आपके सामने आ जाता है ग्रांटेड सुपर राइट, तो यहाँ पर आप समझ जाइए कि आप आगे का प्रोसेस कर सकते हो, और यहाँ पर अगर आपका सामने डिनाइड लिखा आ गया, सो अभी आपको जाना होगा अपने इस मैजिस्क मैनेजर के अंदर, और करना होगा इस थ्री कॉलम्स के ऊपर एक बार दोबारा टैप, और करना होगा इस सुपर यूज़र वाले ऑप्शन पे भी टैप, और यहाँ पर जो है आपके सामने जो टर्मिनल इमुलेटर वाला ऑप्शन होगा आपको सिंपली उसको कर देना होगा सुपर यूज़र वाली परमिशन से ग्रांटेड, और फिर आपको दोबारा जाना होगा टर्मिनल इमुलेटर के अंदर, और यहाँ पर आपको टाइप करना होगा दोस्तों सिस्टमाइज, और फिर आपको हिट करना होगा दोबारा एंटर बटन को। सो आप वैसे देख सकते हो यहाँ पर जो है हमारा यहाँ पे ट्रू लिखा आ रहा है, जो कि ग्रीन बटन यहाँ पे शो हो रहा है सेट सेलिनक्स इनेबल ट्रू। सो यहाँ पर अगर आपके सामने यहाँ पे फॉल्स लिखा आए, सो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको एस टाइप करना है, और फिर एंटर पे क्लिक करना है, और फिर से आपको सी प्रेस करना है, और फिर एंटर पे लिखना है, और फिर आपको जो तो दोबारा सिस्टमाइज टाइप करना है, और फिर से आपको हिट करना होगा एंटर बटन को। सो आप देख सकते हो हमारा जो है यहाँ पे फॉल्स लिखा आ गया है। सो इस तरीके से आप जो है ट्रू कर सकते हो दोबारा से। सो हमें इसको दोबारा ट्रू कर लेते हैं। सो आप देख सकते हो हमारा जो है ये सिंपली यहाँ पे ट्रू हो चुका है कन्वर्ट। सो अब आपको करना क्या होगा दोस्तों, आपको यहाँ पे सिंपली वन टाइप करना है, और हिट कर देना है एंटर बटन को, और यहाँ पर जो है आपके जो भी ऐप्स लोड हो रखे हैं आपके मोबाइल के अंदर वो यहाँ पे शो होने लग जाएंगे। सो ये कुछ टाइम लेगा, और जैसे ही आपके सारे ऐप्स यहाँ पे शो होने लग जाएंगे, सो यहाँ पे आपको अपनी GPS जॉयस्टिक को फाइंड करना है, जो कि आप अभी आपने जो है न्यू नेम से क्रिएट की है, जैसे कि एक बार हम देख लेते हैं हमारी है न्यू फेक GPS। सो इसी को हम फाइंड करते हैं इसके अंदर। सो हमारे सामने जो है न्यू फेक GPS जॉयस्टिक ये रही दोस्तों, आप देख सकते हो न्यू फेक GPS, जो कि है 43 नंबर पे, और आपको जो है दोस्तों उसी नंबर को यहाँ पे टाइप कर देना होगा जो जौन सा भी नंबर आपको शो हो रहा था 43, हमें जैसा कि शो हो रहा था हमारी GPS जॉयस्टिक, जैसा कि यहाँ पे आपको एक बार मैं दोबारा दिखा देता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं न्यू फेक GPS, और ये 43 नंबर पे है। सो वही हमने यहाँ पे टाइप कर दिया। सो अब आपको करना होगा एंटर के ऊपर टैप, और फिर आपको करना होगा टू के ऊपर टैप, और फिर कर देना होगा एंटर। सो इस तरीके से दोस्तों आपकी जो है GPS जॉयस्टिक कन्वर्ट हो जाएगी सिस्टम ऐप में, और अब आपको कर देना होगा वाई के पर क्लिक जो है टैप करके एंटर पे क्लिक। सो इस तरीके से दोस्तों आपकी GPS जॉयस्टिक सक्सेसफुली हो चुके है सिस्टम ऐप में कन्वर्ट। और यहाँ पर जो दोस्तों एक और बात कि अब आपको जाना होगा अपने मैजिस्क मैनेजर के अंदर,
और यहाँ पे आपको दोबारा जाना होगा थ्री कॉलम्स के ऊपर और इस मैजिक हाइड के ऊपर। सो दोस्तों ऐसा करने के बाद जो है आप अपने पॉकीमोन गो के अंदर सक्सेसफुली स्पूफिंग कर पाओगे। और यहाँ पर जो है दोस्तों आपके सामने जो पॉकीमोन गो यहाँ पे अपियर होगा, आपको यहाँ पे इसको कर देना होगा सिंपली टिक। अगर आपका अनटिक हो रखा होगा तो आपको सिंपली इसको टिक कर देना है सारे ऑप्शंस को। और इस तरीके से दोस्तों अब आपको करना होगा अपने इस डिवाइस को एकदम लास्ट टाइम रिबूट। रिबूट बोले तो आपको यहाँ पे अब आपको दोबारा से अपने डिवाइस को रिस्टार्ट कर देना होगा। सो हम इसको कर लेते हैं जल्दी से और फिर आपको दिखा देते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप रिबूट कर लोगे अपने डिवाइस को, सो अब आपको जाना होगा अपने जीपीएस जॉयस्टिक के अंदर जो कि आपने क्रिएट करी थी इसको सिस्टम मैप में। सो अब हम चलते हैं इसके अंदर और अब आपको करना होगा इस एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक और कर लेना होगा इसको कैंसिल जो भी आपके जब जो सामने बोलेगा। सो अब हम चलते हैं इस थ्री कॉलम्स के अंदर और देखते हैं कि हमारी जीपीएस जॉयस्टिक सक्सेसफुली क्रिएट हुई है सिस्टम मैप में या नहीं हुई है। और अब हम चलते हैं सेटिंग के ऊपर और अब हम चलते हैं नीचे की ओर और यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों हमारा जो है सिस्टम मोड यहाँ पे हो चुका है इनेबल और इसका मतलब जो है हम सक्सेसफुली क्रिएट कर पाए अपनी जीपीएस जॉयस्टिक को सिस्टम ऐप में वो भी बिना कोई प्रॉब्लम के और बिना कोई इशू के। सो यहाँ पर जो दोस्तों आपको जो है इस वाले ऑप्शन को डिसेबल कर देना होगा जो कि यहाँ पर इनेबल हो रखा होगा और यहाँ पर कर लेना होगा इस वाले ऑप्शन को सिंपली इनेबल ताकि आपके अंदर जीपीएस सिग्नल नॉट फाउंड एरर ना आए जब आप पॉकीमोन को प्ले करोगे। और यहाँ पर जो दोस्तों इतना करने के बाद जो है अब आपको जाना होगा अपनी सेटिंग के अंदर और जाने के बाद जो है दोस्तों यहाँ पे आपको जाना होगा अपने डेवलपर ऑप्शन के अंदर और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो सेलेक्ट मॉक लोकेशन ऐप यहाँ पे जो ऑप्शन आता है यहाँ पे आपकी जीपीएस जॉयस्टिक जो है सेलेक्ट ना रखी हो वरना जो है आपको देखने को मिल सकता है ओएस इज नॉट कंपेटेबल या फिर फेल टू डिटेक्ट लोकेशन 12 ऐसा एरर। और यहाँ पर जो दोस्तों आप फिर से चेक कर लीजिएगा अपने मैजिक मैनेजर के अंदर जाकर कि आपने जो अपने पोकेमोन गो को हाइड करा था टिक करके वो जो है टिक हो रखा है कि नहीं, और अगर नहीं हो रखा तो कर दीजिए उसको दोबारा से टिक। जैसे कि हमारा हो रखा है तो हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ओएस इज नॉट कंफर्टेबल एरर देखने को ना मिलने के लिए इसलिए। सो यहाँ पर जो दोस्तों मैं इस वाली जीपीएस जॉयस्टिक को पहले ऑफ कर देता हूँ और मैं आपको जो है इस न्यू क्रिएटेड जीपीएस जॉयस्टिक से स्पूफिंग करके दिखाता हूँ अपने पोकेमोन गो के अंदर। सो हम चलते हैं अपनी लोकेशन के अंदर कोई सी भी, जैसे कि मैं यहाँ पे अपनी फेवरेट लोकेशन को सेलेक्ट कर लेता हूँ जहाँ बहुत सारी जिम रेड्स होती है। और इसी से जो दोस्तों अब मैं आपको स्पूफिंग करके दिखाता हूँ ताकि आपको जो है 101% मेरे पे यकीन हो जाए और आप इसी बात पे कर दोगे हमारी वीडियो को लाइक अगर आपने नहीं किया है और कर दोगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस करके अगर आपने नहीं किया है। और अगर आप पहले ही कर चुके हो ये सब सो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो दोस्तों 101% जो है ये ट्रिक आपके में वर्क करेगी अगर आपने एक भी स्टेप को मिस नहीं किया हमारी वीडियो के अंदर। सो दोस्तों आप देख सकते हो कि हम जो है सिंपली अपने पोकेमोन गो के अंदर एंटर हो चुके हैं वो भी बिना कोई प्रॉब्लम के। और दोस्तों आप देख सकते हो कि हम जो है अपनी स्पूफिंग वाली लोकेशन के अंदर भी एंटर हो चुके हैं। और अब मैं आपको जो है एक बार पॉकी स्टॉप स्पिन करके और पोकेमोन भी कैच करके दिखा देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो हमारा जो है पॉकी स्टॉप वर्क कर रहा है। सो अब मैं जो है आपको अपना ये भी कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ। सो अब हम चलते हैं अपने पोकेमोन को कैच करने की और। तो अब आप देखिए दोस्तों हम जो है अपने पोकेमोन को कैच कर लेंगे वो भी बहुत इजीली। और इस तरीके से आप देख सकते हो दोस्तों हम जो है सक्सेसफुली अपने पोकेमोन को के अंदर स्पूफिंग कर पा रहे हैं वो भी बिना कोई बैन के और बिना कोई इशू के, बिना कोई प्रॉब्लम के, बिना कोई जीपीएस सिग्नल नॉट फाउंड एरर के और बिना कोई फेल टू डिटेक्ट लोकेशन 12 के। सो दोस्तों देखा कि हमने जो है एक भी एरर को फेस नहीं किया और हम जो है सिंपली अपने पोकेमोन गो के अंदर एंटर हो चुके हैं स्पूफिंग करते हुए। सो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कर दीजिए वीडियो को जल्दी से लाइक और दोस्तों वीडियो का लाइक हम रखते हैं आपकी बार 100 और मेरे को यकीन है कि आप कर दोगे इस लाइक एम को कंप्लीट। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलना ताकि ऐसी वीडियोस आप तक इजीली पहुंचती रहे। सो दोस्तों ऐसे ही मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो के अंदर। सो बने रहिए हमारे चैनल पर और देखते रहिए। सो तब तक के लिए थैंक यू।